आज राजस्थान की जनता बहुत मायूस है। मोदी जी की गारंटी फेल हुई, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। आश्चर्य मुझे, बीजेपी की सरकार का अंतरिम बजट पेश होता है और पेट्रोल डीजल पर 12 से 13 रुपए कम करने वाले थे वो नहीं होते। पाप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम है। पेट्रोल डीजल सूखे पार है, पेट्रोल डीजल सूखे नजदीक है। मनमोहन सिंह की जब $130 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, तब 70 रुपए लीटर के नीचे बेच रहे थे। ऐसे जनता की जेब काटने से बीजेपी सफल नहीं होगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। आपको घमंड हो गया बीजेपी के लोगों के, आपको वोट अपने आप मिल रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, ले लिया। इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? भगवान राम खुद कहते हैं कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, किसी के घर में भी बिना रोटी के दर्द नहीं होना चाहिए। तो रोटी सबको मिले, रोजगार मिले। आपने तो पेट्रोल डीजल की सस्ता नहीं किया, जो पूरा बजट है आंकड़ों का माया जाल है, किसी को कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन कांग्रेस की सरकार ने प्रावधान किया था, हमने कानून बना दिया था, हर वर्ष 15% बढ़ेगी। तो हर वर्ष 15% बढ़ेगी, मुख्यमंत्री जी कह रहे आपने बढ़ा दी, वित्त मंत्री कह रही हमने बढ़ा दी, आपने तो ना बढ़े, हम बढ़ा के गए 15%। आपने कुछ नहीं दिया है, आपने हमारी ही बातें बोल दी सारी की सारी, हमारी योजनाओं का एक जगह नाम बदल दिया चिरंजीवी का। तो ये जो आप पाप कर रहे हैं गलत है। सबसे बड़ी बात थी पेट्रोल डीजल की, आपने सस्ते नहीं किए। ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो जनता के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को मजबूर करके ये वादे पूरे करवाएंगे।